हाँ मतलब बड़े दिल से बनाया गया शो है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं इसके अंदर, और उसमें हमारे सीरियल डायरेक्टर साहब हैं रूपाली अल्पना जी, पारस उदय, रिप्रेजेंटिंग द इंटायर टीम। सो आई थिंक अच्छे लोग साथ में मिले, अच्छा शो था, अच्छी स्टोरी है, एंड आई एम हैप्पी कि ऑडियंस ने अप्रिशिएट। कितना प्राउड फील होता है, इतने लोग पसंद कर रहे हैं अनुपमा को। बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि एक ऐसा शो ये लेकर आए हैं जो बिल्कुल ऑफ द ट्रैक था, जो बिल्कुल भी दूसरे शोज़ की तरह नहीं है, हर चीज़ में अलग है। उस शो को लोगों को इतना प्यार करना, इतना ज़्यादा सराहना, तो यू डेफिनेटली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। इट इज़ अनुपमा एट द एंड ऑफ द डे इज़ टोटली टीम वर्क, सो यू फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। ऑडियंस से ऐसा कोई रिएक्शन मिला या फिर ऐसा कोई कमेंट मिला जो आपको ज़हन में रह गया हो, इफ यू कैन शेयर? ये आपके प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। प्रोड्यूसर आपका अनुपमा बहुत अच्छा है, तो हमेशा जहन में रह जाता है। बट ये है कि पहले मुझे सब लोग मोनिशा के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा जानते थे, एंड नाउ दे टेल मी कि अब हम लोग वो रिलेट ही नहीं कर पाते दैट यू आर द सेम पर्सन हुज प्लेड मोनिशा, अब आप हमें बस अनुपमा ही दिखती हो। So that is the biggest compliment, and that totally credit goes to him. Goes to our director. Because he has made me Anupama. ये तो मतलब इन्होंने सोच के हम लोग को वहाँ पर भेज दिया, जाओ मैदान में लड़ो, पर लड़े ये हैं। सर, as a captain of the ship, जैसे मैंने आपसे पूछा दोबारे में, कितना proud feel होता है as a director? काम को सराहा जाता है तो of course बहुत खुशी होती है, and it's always the team that makes the show. मुझे तो लगता है कि बस मैं कोशिश करता रहता हूँ और सारे इंजन्स मिल भी काम पूरा करते जाते हैं और शो अच्छा बनाते जाते हैं। सर का कितना सपोर्ट मिला? पूरा बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा। आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में आनंद जी जैसा प्रोड्यूसर ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो करेक्ट है, हम जीते भी एंड आर एसोसिएशन, रोमेश हमारा एसोसिएशन को 22 साल का है, विदाई से लेके रिश्ता का कहलाता है, और अभी अनुपमा, सारे बिगेस्ट शोज डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के रमेश जी ने सेटअप करे, और उनका नया बेबी अनुपमा। सबसे बेबी हम। सिंस पूरा टीम यहाँ पर है, आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम के साथ काम करने का, और अब जब इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है शो को और टॉप टीआरपी में, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। सबसे पहले तो इट्स अ गॉड्स गिफ्ट, ऐसे प्रोजेक्ट बार बार नहीं बनते और बार बार हमारी झोली में भी नहीं आते, बस ये ऊपर वाले ने हमें बोला कि आपके नसीब में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कब प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए, कब लोगों का इतना प्यार मिला, कब हम वो कैरेक्टर में घुस गए, हमें कुछ पता नहीं। हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, वही हमसे ये सब करवाते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू गिव अ क्रेडिट टू माई राइटर, जिनके डायलॉग्स हम बोलते हैं और वो लोगों के कान पर पहुँचते और दिल तक जाते। टोटली टोटली। मुझे से दैट जैसे बाने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम बनते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट वंस इन लाइफ टाइम मिलते हैं जो आपका करियर यहाँ से वहाँ बदल देते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एंड मेनी एक्टर्स इन आर शो, लाइक ऑल दी एक्टर्स, से सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक राजन सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग सच वंडरफुल शो, एंड ऑब्वियसली ये एक ऐसा शो है जहाँ पर सारे कास्ट, क्रू मेम्बर्स, जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली की तरह बन गए। लाइक माई मम्मी बीइंग माई मम्मी, लाइक आई कॉल हर मम्मी ओनली, ये हमारी बा है, अगर आप बा है, सो दैट्स अ बा, सो एवरीवन इज लाइक दैट क्लोज कि हम लोग एक दूसरे को कैरेक्टर के नाम से ही बुलाते हैं, बिकॉज वी हैव बिकम लाइक अ रियल फैमिली। इसे अब रिकॉर्ड करना, मैं बाद में लूंगा। सर, आज का जो अवार्ड है इसमें कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है शो, अगर उस बारे में कुछ बता दें। मिलेगा हमारे लिए भी सरप्राइज, आपके लिए भी सरप्राइज रहेगा, जब हाथ में मिलेगा तभी बताएंगे भाई। और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, 2021 के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने? 2021 के लिए कि थोड़ा और डिसिप्लिन्ड हो जाऊँ, थोड़ा चुप रहूँ, थोड़ा डाइट कंट्रोल करूँ, और अनुपमा में जी तोड़ मेहनत करूँ, 22 में वापस मिलेंगे 100%। Thank you.
अवार्ड मिला है मैं भूल गई मम्मा किसका मिला है नहीं कुछ और था एक सेकेंड मुझे आदमी बेस्ट फीमेल चाइल्ड नहीं वो तो निक में था हाँ एंटरटेनर वाला निक में था बेस्ट फेमस चाइल्ड एक्टर कुछ तो मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट फेमस चाइल्ड एक्टर का मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ और ये सब आपकी वजह से आपका प्यार मुझे मिलता है आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है और वो मुझे और एनकरेज करती है और भी अच्छा करने के लिए और बस ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए ट्वेंटी ट्वेंटी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और हमारे स्कूल्स भी बंद हो गए सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा ये ईयर बट इस न्यू ईयर में हम यही होप करेंगे कि बहुत हैप्पी ईयर हो ये और हम इस ईयर में बहुत इन्जॉय करें एक्चुअली सबको रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और मैंने रेजोल्यूशन बनाया कि मैं डांस सीखूंगी मेरा डांस थोड़ा सा छूट गया था तो ऐसे ही बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं थैंक यू Hi, good evening, sir. उसके बारे में कुछ बताइए कितनी एक्साइटेड है और क्या तैयारियां है क्या माइंडसेट लेके आए हैं
मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पे हम लोग सब लोग मौजूद हैं, क्योंकि एक तो जनवरी है, एक नया साल शुरू हुआ है 2021, और इतने अच्छे मौके पे शुरू हो रहा है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और जो भी अवार्ड्स हैं, आप जानते हैं, ये सिर्फ मतलब टीवी नहीं, बहुत ही अलग अलग जो भी है, मतलब फिल्म मीडिया एंड यू नो सब के लिए है ये अवार्ड्स, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पर आने के लिए। और 2020 से क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं बहुत बुरा था, तो बुरे में से कुछ ना कुछ तो लर्निंग लेनी बहुत जरूरी है। मैं कहूँगी कि मैं ये नहीं मानती कि 2020 बुरा था, मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि 2020 हमें बहुत कुछ सिखा गया, जैसे फैमिली कितना मायने रखता है, कैसे आप कहीं नहीं गए थे, सिर्फ घर पे थे हम लोग, तो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मैंने सीखा 2020 से, बहुत सारी नई चीज़ें भी की घर पे बैठ के। एंड अभी फाइनली जब कोविड थोड़ा सा यू नो संभला हुआ है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। रेजोल्यूशन यही है कि मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को, अपने फैंस को यू नो प्राउड करना चाहती हूँ, तो नए नए इंटरेस्टिंग रोल्स करना चाहती हूँ, तो ये मेरा 2021 का रेजोल्यूशन है। बिल्कुल, मैं एक वेब सीरीज़ पे काम कर रही हूँ ओल्ड बालाजी के साथ, मैं क्रैश कर रही हूँ, जिसमें मैं आलिया का कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए, मेरा फर्स्ट वेब शो है, तो सब फैंस वेट कर रहे होंगे ऑफकोर्स, बहुत से म्यूज़िक वीडियोज़ हैं जो लाइंड अप है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। मैं अभी तक अनफॉर्चुनेटली ट्रेलर नहीं देखा है, बट इट्स सो अमेजिंग कि उन्होंने एक दिन में इतने यू नो व्यूज़ किए हैं, बट आई जस्ट वांट टू विश कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, एंड आई होप कि सबको बहुत मज़ा आए वो फिल्म देख के। इस साल मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाई बिग बॉस, यूजुअली आपको तो पता ही होगा मैं बिग बॉस इतना फॉलो करती हूँ, बट इस साल मैं उतना नहीं कर पाई, तो मैं इस साल किसको फॉलो करने में मेरे को पता नहीं है, बट लेट्स सी जो भी बेस्ट है वो विन करे। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि FMBAF ने मुझे यूथ आइकॉन और फिटनेस कैटेगरी में अवार्ड दिया है, और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी अवार्ड है, क्योंकि हमारे देश में आज सबसे बड़ी जो एक ज़रूरत है वो फिटनेस की है,
कोविड के चलते 2020 में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों ने बहुत रियलाइज़ किया है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है. सो इस कैटेगरी में अवार्ड मिलना मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है. और 2021 के लिए क्या प्लान्स है, क्या रेजोल्यूशन बनाया आप? 2020 से पहले मेरा सबसे बड़ा जो काम था वो था मॉडलिंग, एक्टिंग और कराटे, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी. और वही एक बात खलती है और ऑलरेडी मेरे ट्रैवलिंग शुरू हो गए हैं एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2021 एब्सोल्यूट ट्रैवलिंग, शूटिंग, ऑल ऑफ इट. यस, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन फॉर अ फिल्म शूट एंड लॉट्स मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड 2021 विल रिवील इट ऑल. Thank you so much. Wish you all a very, very happy new year. Stay safe and travel safe. Thank you. Yes. Wow. Yeah, I want a picture also from my phone. Can somebody take it? Excuse me. Yes, guys. Okay, so abhi sabse pehle humne bataya ki yahan pe kaun si category mein aapko award mila hai aur kitne nervousness thi aur abhi excitement mein badal gaye ho, kya kehna hai? वेल, मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे ऑब्वियसली एक्टिंग फील्ड के लिए ही अवार्ड मिला है. तो उन्होंने मुझे मोस्ट वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है, विच आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी फॉर्चुनेट टू रिसीव दिस अवार्ड. एंड येस, इट हैज़ बीन अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ 2021. नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, राइट? रिजोल्यूशन होता है, हर बार फेल हो जाता है. सो दिस ईयर देर इज़ नो रिजोल्यूशन. ओनली थिंग इज दैट बिकॉज इन 2020 आई लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट message in life, that all is important is to survive in life, right? So yes, looking for more and more opportunities to work and be happy. So any of your upcoming project you would like to share? Yes, there is a movie called Modi Ji Ki Beti which is ready for release, so soon you'll see me in that film. Thank you so much. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year.